गुड मॉर्निंग गाइज, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं नई उमंग नए तरंग के साथ। और जय माता दी। आज अक्षिका चले बेटा, आइए आइए आइए। किधर है भैया गाड़ी हमारी? चलिए 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 भाई, आज बहुत लंबा दिन होने वाला है, चलते हैं फटाफट। लंबा दिन यानी बड़ा दिन से मतलब ये है भाई कि आज ना 3-4 बजे 5 बजे आके घर में नहीं घुसने वाले, आज पूरा दिन लगेगा। आज मॉडिफिकेशन पार्ट टू, डे टू है आज। आज भाई 2-3 जगह जाना है मॉडिफिकेशन के लिए। ओहो भाई ये सिस्टम। हाँ जी, तो आज अभी स्टार्ट करते हैं जी गाड़ी अपनी, और क्या किलोमीटर है आज का वो देखते हैं। आज इसमें जो मॉडिफिकेशन कराना है ना भाई, बिमरा पे जाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, बिमरा 4x4 गुड़गांव। और उसमें एक तो रूफ कैरियर के साथ उसमें हमने भाई एक अंडर बॉडी, जो एक नीचे से कहीं टच हो जाए भाई, अब पहाड़ों में जाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रिप तो हमारा वैष्णो देवी का है फैमिली के साथ, पर उससे आते ही उसके 1 वीक के बाद एडवेंचर स्टार्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से इसको रेडी करा रहे हैं। और आज एलओए शॉप पे भी जाना है, जो एक बार पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज वहाँ मैं कल भी गया था, कल रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, तो कुछ ऑर्डर करके आया हूँ मैं, टायर्स एंड एलोइज, उसका कुछ कन्वर्टर वगैरह मंगाया है, तो आज हम फिट करा के देखेंगे। इंस्टॉल कराएंगे तब आ जाएंगे वैष्णो देवी से वापस, उनसे बात हो चुकी है सब कुछ। आज एडवांस पेमेंट वगैरह करनी है, तो बाकी दोपहर में ऑफिस के बाद चलते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई। एलोइज ऐसे पसंद किए कि कहीं मतलब पूरा करोल बाग दिखाया, मोती बाग, मोती नगर, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, अभी ध्यान नहीं आ रही। मतलब 2-3 जगह जहाँ पे मिल सकती है, गिटोरनी गुड़गांव के वहाँ पे एक रोड है, पे एक शॉप है, वहाँ पे भी भाई कहीं वो एलोइज मिला ही नहीं। अब वो चीज़ ऐसी यूनिक है ना, और महंगी भी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आज जाके दिखाते हैं और उसमें से एक सेलेक्ट करना है, दो ऑप्शन है। बिमरा 4x4 भाई पहुंच गए हैं जी, और अभी ये लुक देख लीजिए, अभी ये लुक है, और अभी कुछ चेंज होने वाला है इसमें, जो कि मैंने सुबह बताया था। हाँ ये चीज़ पता नहीं अंडरबॉडी दिखेगी या नहीं दिखेगी, पर हाँ ऐसे जूम करके देख ही लेंगे। तो अभी बुलाया है उनको, ये करें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना है वो देखते हैं। अब काम स्टार्ट हुआ है जी, 1/2 आवर तो लग गया वेट किया। अब ये कहीं ना कहीं इनका कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है थोड़ा सा दूर, वहाँ से अब लेके आए हैं, और अब इन्होंने जैक लगाया, अब स्टार्ट करेंगे इंस्टॉल करना। और कैरियर अभी आ रहा है, रूफ कैरियर, तो भैया स्टार्ट कर चुके हैं काम। देखो महिंद्रा वालों ने जो लगाया हुआ ना, ये निकाला इंजन प्रोटेक्शन के लिए, ये सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है सिर्फ धूल मिट्टी, थोड़ा बहुत कोई पानी उनी, जो हम करते हैं ना ऑफ रोडिंग, उस तरह का तो भाई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये क्या रोक पाएगा कुछ भी नहीं। ये तो पानी उनी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी रोक लेगा, और क्या रोकेगा। और प्रताप जी हैं, ये अपना काम करा रहे हैं, बताइए भैया कौन सा पार्ट कहाँ के लिए बनाई? ये फ्रंट का है सर। ये फ्रंट का है, अच्छा जो इंजन के नीचे लगेगा। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल उसको रिप्लेस करके ये लगेगा, ठीक है जी। ओके, ये बीच में लगेगी, ये किसको सेव करेगी, किसके लिए है बीच वाली? अच्छा, आज उन पाइपों के लिए, ठीक है जी। ये लास्ट वाली छोटी वाली, हाँ हाँ, ये भी बेसिक प्रोटेक्शन के लिए है, मैं जो वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको वायर वगैरह जो चेंज करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उस साइड आ जाते हैं, तो वहाँ से। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। मैं अब ये है कि बिना कोई चिंता के ऑफ रोडिंग कर सकते हैं भाई। हाँ। नीचे से वो प्रोटेक्ट हो गई ना स्टील में, ये 3 mm की है प्लेट, पावर कोटेड और स्टील में, तीनों पीस जो है। अच्छा, स्टील बेटर होता है एल्युमिनियम बेटर होता है? सर दोनों ही बेटर है, फिर भी एल्युमिनियम में लाइट वेट होता है। अच्छा, एल्युमिनियम लाइट वेट होता है, स्क्रैचिंग नहीं होता है। अच्छा, और इसमें ये है कि अगर स्क्रैचेस वगैरह नीचे से आते हैं, दोबारा पावर कोटिंग कराते हैं, दोबारा पावर कोटिंग करा के अपना नया जैसा बन जाएगा। इसमें थोड़ा वेट होता है उसके कंपनी, हां उससे पे कितना मान लो, ये 20 kg की है या 15 kg की है, तो आपके एल्युमिनियम की वही 8-9 kg की है, 7-8 किलो का है, 7-8 kg का वेट है तीनों पीसेज में। बिल्कुल इसमें, हाँ दो पीस लगाए, दो पीस तो निकल आए, थर्ड पीस भी इसमें पीछे में,
ये है किस लिए पता नहीं, यहाँ के लिए कोई प्रोविजन है क्या? यहाँ पे ये पूरे स्क्रैचेज आ जाते हैं पूरी गाड़ी में ना, अभी नहीं मतलब 6 महीने में साल भर में जैसे पैर लगते हैं ना, यहाँ के लिए तो आ जाती है, पर यहाँ का कोई यूज नहीं है। जो यहाँ के लिए सर एक बार सर्च करना पड़ेगा, अगर सील प्लेट आती है आर की तो है हमारे पास में, ठीक है आर की बैठेगी नहीं इसमें, सर्च करनी पड़ेगी, अगर वो मिल जाती है तो लग जाएगी। जो भी मतलब स्क्रैच ना वो बहुत मध्य से नजर आते हैं, स्टील के होते हैं और वो ऐसे बेंड हुई होगी ना, हाँ वो लग जाती है, तो एक बार सर्च कर लो या थोड़ा बनवा दो ऑर्डर पे साइज के अकॉर्डिंग, मुझे देख लो है तो बनवा दो भाई। देखो जो इंजन के लिए है ना जो प्लेट और फ्रंट वाली जो छोटा पीस, उसके लिए दो बंदे लगे पड़े हैं, यह बड़ी ना इंसाफी, एक प्लेट दो बंदे, देखो कितनी मेहनत लग रही है। ये देखो ऐसे कंपनी वाले ना इतना स्पेस दे देना टायर में, हाँ 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 मजे आ जाए भाई, कोई भी साइज का टायर लगाओ। अभी जो मैं इंस्टॉल कराना चाह रहा हूँ ना, बड़ी टेंशन हो रही है, वो कह रहे इधर टच हो जाएगा, उधर आगे पीछे, वो कह रहे हैं अल्ट्रेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कट करेंगे यहाँ से, या हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़े पता नहीं, या कन्वर्टर लगाना पड़े, इतना स्पेस हो ना मजा आ जाए, किसी साइज का एलॉय किसी साइज का टायर लगाओ उसमें। आ गया जी हमारा रूफ कैरियर, ये अपना ही है ना, स्कॉर्पियन का ही है ना, ये किसका लेके आए हो? हाँ मेरे वाले का ही है ना भाई, काफी देर वेट कराया इस चीज के लिए। ये जो अंडर बॉडी किट है, ये अंडर बॉडी किट, इसमें ये लग रहा है टी, ये क्या चीज है ये? इसका फिर अपना ये पास रखना पड़ेगा, इसको कभी रास्ते में खुल जाए या कुछ हटाना हो लगाना हो, फिर भी कहीं टकरा जाए टूट जाए तो ऐसी कौन सी टी आती है, क्या चीज आती है? थोड़ा हैवी तो कुछ अलग ना, मार्केट में जल्दी से मिलेगा भी नहीं। चार का बोल्ट वैसे तो क्यों निकलेगा, तो टाइट भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं ये, इन्होंने आते हुए देखो अपना यहाँ पे लगा दिया था, पेस्ट कर दिया था ये स्कॉर्पियन अंडर बॉडी किट रेड, और ये कैरियर डीएफ, डीएफ जो भी बोलते हैं इसका, भाई आते ना कि गाड़ियाँ ज़्यादा रहती है, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, उस गाड़ी में पेट्रोल लगना था, ये लगना था, नाम लिखा है एंट्री, पर अपना ये लगा दिया, वही काम चल रहा है। ये देखो स्नो चेन भैया, ये स्नो चेन क्या प्राइस होता है इसका? ये साइज के हिसाब से होता है, कॉमन रेट होता है इनका साइज के हिसाब से? तो फिर भी एक अंदाजन अपना गाड़ी के लिए 255 नहीं, मेरे में 265 60 18 है, हाँ 265 लार्ज वाला। अच्छा तो वो कितने का आएगा? 14,990 और वो भी दो पीस, वाजिब हुआ अम्मी जी, ज़्यादा महंगा नहीं है? हाँ किस चीज़ का मटेरियल, किस मटेरियल से बनी है ये? स्टील है, हाँ बर्फ ठंडी होती ना कहीं जम जाए ये। तो ये फ्रिज तो बड़ी काम की चीज़ है भाई, मैं सोचा इन्वर्टर है कुछ इस तरह के होते हैं ना, चार्जिंग स्टेशन क्या बोलते हैं उसको। अच्छा ये छोटे होने लगे भाई, ये ठीक है, वो स्पेस तो पूरा है, और गाड़ी से चार्ज हो जाता होगा फिर ये चल जाता होगा। 30,000 का ये, क्या मोको लिखा है क्या है ये? मोको ही आ रहा है हमारे समझ में, मोको, हाँ मोको ही है भाई, और कुछ स्टाइल में लिख दिया हो भाई। 30,000 का फ्रिज है भाई, अब कुछ अपना वही लेके ना। इतने ठंडी की चीज जरूरत नहीं है भाई, हम तो खरीद ही लेंगे भाई। और हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं भाई मार्केट में। ये भाई कुछ सजेशन देने आए, बुलाए हमने ऑफिस से इनके स्पेशल, भाई आओ बताओ क्या करना है। ये देखो जी इंस्टॉल हो चुकी है, अब यहाँ पे भाई इसी तरह का स्पेस है, बता दिखा सकते हैं 3 पीसेस में जैसा कि बताया था मैंने, तो तीनों पीस या दो पीस दिख रहे हैं अभी, तो वो इंस्टॉल हो चुके हैं। वेल इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है, मैं थोड़ा बाहर गया था, वो देखो ये नीचे रख के तो बड़ा मतलब इतना बड़ा साइज लग रहा था, और अब इतना छोटा सा लग रहा है गाड़ी के ऊपर,
हाँ सामने से तो अच्छा लग रहा है। हाँ एक प्लेट और लगाएंगे अभी और सामने, ओ भाई बाकी बाहर निकाल के देखते हैं। अभी ऐसा लग रहा है इसे छोटा सा, तो ऐसा भाई क्योंकि गाड़ी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग साइज एकदम अलग लग रहा है। वैसे और ये यहाँ तक आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा था, और थोड़ा अपना लगेज रख सकते थे हम, या कोई स्टैंडर्ड साइज होता है इसका। अच्छा बढ़ा नहीं सकते इसको, ये नहीं बढ़ पाएगा, दूसरे होते हैं और कोई ऑर्डर पे बना हुआ है तो बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा ऑर्डर पे बनवाएंगे तो वो यहाँ तक आ जाते, वो और थोड़ा सा सामान आ जाता ना, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। कोई बात नहीं जी, इसको यूज करके देखते हैं पहले। अब जा रहे हैं हम तो फैमिली ट्रिप में, ताकि उसमें ज़्यादा ही लगेज होते हैं जब फैमिली के साथ जाते हैं, हम तो एक दो जाते हैं जब तो इतने ज़्यादा लगेज वगैरह है नहीं। हम फैमिली के साथ जाएंगे जब 4-5 बैग होंगे, तो अगर वो कंफर्टेबली आ जाते हैं अच्छी तरह तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको चेंज कराएंगे, बड़ा ही बनवाएंगे। वैसे भी ना आके तो मैंने इसको चेंज कराना ही कराना है, क्योंकि ये जो कोटिंग है ना इन्होंने दूसरी कर दी, कुछ कन्फ्यूजन हो गया जो भी रहा। ये कोटिंग अलग है, दूसरी दिखाता हूँ जो मैंने इनको ऑर्डर किया था, वो ऊपर रखी है वो दिखाता हूँ आपको। पर जो चीज़ पसंद आ गई तो आ गई ना, वही करानी पड़ेगी। अभी ये कन्फ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं, एक ट्रिप कराते हैं फिर दोबारा चेंज कराएंगे इसको। देखो ये वाली, ये अगर समझ में, हाँ जी बिल्कुल आ रही होगी, ये कोटिंग अलग है, कितनी अच्छी लग रही, थोड़ा सा ये मैट टाइप में है, वो सिंपल पेंट है, ये कुछ नया है और यही ऑर्डर किया था मैंने इनको, एकदम अच्छी लग रही है। जो बीच वाले ये है ना, ये पाइप्स जो लगे हैं ये भी वही कोटिंग है सेम, ये बाहर वाली मेरे हिसाब से ये भी बड़ा ही है। देखते हैं पाइप्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने वाले में देखते हैं क्या है, साइज का कोई डिफरेंस है क्या है। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, इसमें है जी 6 पाइप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी इनका डिस्टेंस इन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर 6 पाइप है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें है 9। तो प्रताप जी कह रहे हैं कि ना 6 ना 9 उसको 8 कर देंगे, 8 पाइप का हो जाएगा वो, मतलब यहाँ तक कंफर्टेबली इस पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में भी, क्योंकि इतना बड़ा इसका वो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा स्पेस है अपने पास, ये थोड़ा ये आगे कर देंगे इसको, और आप एक बार थोड़ा मेजरमेंट कर लो बता भी, 9 वाला आ जाए जैसा भी हो तो उसको बजट पड़ेगा वो बता देना ना, उसका रीपेंट के लिए तो नहीं ये होगा या रिप्लेस करेंगे वो बता देना कितना पड़ेगा ना, वही करेंगे या तो 8-5 वाला जो भी है या 9। अभी ऐसे में देख रहा था ये चीज़ क्या है भाई, कुछ अलग ही है, उस तरफ नहीं है और इस तरफ है, तो बोनट ओपन करके देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ यहाँ पे कुछ रख दी गई है या भाई कुछ डिफेक्ट है इस। ये उन्होंने देखो ये टेप छोड़ दी यहाँ पर, अभी करोल बाग गया था ना मैं, ये उनके काम है। बाहर से ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई चीज़ टूट गई या पता नहीं क्या चीज़, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ये LED और अपना वोग लैम्प का काम कराया था ना, ये उन करोल बाग वालों के काम है ये। ये रूफ कैरियर के ऊपर इन्होंने एक प्लेट और लगाई है ये वाली, जिसके यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है बिमरा 4x4, वैसे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, आ जाओ अब आ जाओ, छोटा सा लिखा है भाई, अपना एडवर्टाइजमेंट तो करनी है इन्होंने, पर कोई दिक्कत नहीं अच्छा लग रहा है। बताओ जी क्या बिल बनाया आपने, करते हैं आप भाई। मैं 3 बजे के आसपास आ गया था यहाँ पे और 5:20 हो गए हैं अब, यानी लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं, और वो भी 2 चीज़ों के लिए, सिर्फ अंडरबॉडी किट और रूफ कैरियर। तो अभी चलते हैं जी, पेमेंट अभी बताते हैं भैया, अभी हिसाब किताब लगा रहे हैं कुछ भाई। सुबह से शाम हो गई, एक छोटा सा काम जो हो पाया जो कि आपको दिखाया मैंने, जो बिमरा 4x4 पे बस वो 2 चीज़ें इंस्टॉल हो पाई आज, और इन बच्चों के चक्कर में ना एकदम प्रोग्राम सडनली एकदम प्रोग्राम बन गया कि कल सुबह वैष्णो देवी चलते हैं। बस देख लो अभी तक ये कंफ्यूज ही है, 8:51 हो चुके हैं और अभी कंफ्यूजन ही चल रहा है वैसे, पर श्योर है कि भाई कल चलना ही चलना है। तो एक वो जो एलोएज वाला काम था वो जो आज फाइनलाइज करना था वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं भाई उसको आके करेंगे, नहीं तो ये था कि उनको वो ऑर्डर डालना था और वो 2-3 दिन में जो भी उनका कन्वर्टर वगैरह आना था वो जाता, पर कोई बात नहीं भाई, वैष्णो देवी का माता रानी ने बुला रहा है, बुला रही है एक दिन पहले माता रानी, तो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं।
तो कल सुबह चलते हैं जी, और अभी घर पहुंच के बताते हैं आज कितना ड्राइव किया और कैसा दिन रहा आज पूरा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ जी बताइए बेटा। बिल्कुल भाई, अभी तक यही बस इनके शॉपिंग करने आए थे, प्रिपरेशन थी कि परसों जाएंगे। और देखो देखो बच्चे भी क्या एक्साइटेड है, बच्चे तो भाई एक्साइटमेंट वैसे ही है इनको, क्या थकान है क्या है, हमें और रखी थी थकान। बिल्कुल भाई समय लग जाएगा, अभी 9 तो बज गए हैं लगभग और 10-11 बज जाने, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं भाई करेंगे। और आपको एक चीज बताना भूल गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो रूफ कैरियर हमने लगवाया वो लगा है जी अपना 9,990 जो उनका MRP है, और जो अंडरबॉडी किट है वो है 13,919 यानी 14,000, उसमें से उन्होंने मतलब इनका टोटल हो गया अप्रोक्स 24,000, उन्होंने कुछ 1500 या समथिंग का डिस्काउंट वगैरह दे के वो उन्होंने 22 समथिंग मेरे से पेमेंट ली है जी, तो 22 या 23 के बीच में एग्जैक्ट अभी याद नहीं, वो देख के बताएंगे। तो इतना देखो दो चीज़ों का लग गया है, 23 मान लीजिए मोटा मोटा, तो ये दो चीज़ों का ये खर्च हो चुका है। और अभी घर चलते हैं, आज गाड़ी ड्राइव किया भाई हमने 74 किलोमीटर हमने आज ड्राइव किया है, आज काफ़ी भाई लंबा दिन रहा, मतलब बहुत समय लग गया, सुबह 7 बजे से चले हुए और अब 9 बज गए। और ऐसा नहीं है जी भाई, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है वहाँ पे बिमरा 4x4, वारंटी कार्ड इन्होंने दिया है देखो दो चीज़ों का, अपना रूफ कैरियर अंडरबॉडी किट पूरा आज की डेट में। मैं कहता हूँ इसकी क्या नीड है रूल, नहीं सर ये हमारा रूल है, जो भी आप इसको सेफ रखिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें दिखाना इस चीज़ को, तो भाई उन्होंने दिया है तो अपना रखते हैं, क्या पता इन फ्यूचर भाई किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, वो कुछ चीज़ दी है तो भाई संभाल के रख लें, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। अभी के लिए गुड नाइट और सुबह मिलते हैं।